हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स पार्ट वन का चैप्टर नंबर 3 से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 देखने वाले हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 और 3.2 नहीं देखा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं, जहां पे लाइन बाय लाइन लेक्चर वाइज आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो देखने के बाद हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट चैनल से जुड़े हुए हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए, हम लोग बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है भाई, हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें बोला गया है कि डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड एंड ऑल्सो बाय लीनियर डिवीजन मेथड। देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है कौन से मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड, दो मेथड से। ओके, सो हम लोग को सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम लोग कर लेंगे और बाद में यहाँ पर लीनियर डिवीजन मेथड भी मैं आपको बता दूंगा। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो डिवाइड साइन है, डिवाइड के लेफ्ट साइड में जो पॉलीनोमियल है ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। सो इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है। ओके, और ये मेथड जो रहता है एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, लीनियर डिवीजन आपको इतना ज्यादा नहीं आता है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में सबसे पहले जो डिविडेंड रहेगा उसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्या वो डिविडेंड इंडेक्स फॉर्म में लिखा है कि नहीं। आई होप आपको इंडेक्स फॉर्म समझ में आता होगा, यानी कि आपको चेक करना है कि कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं। कैसे पता लगेगा कि कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि इस पॉलीनोमियल में सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है 2। ओके, मतलब ये वाला 2m² सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला है। ओके, सो m² है तो यहाँ पर डिग्री कितना है, 2 है। फिर उसके बाद डिग्री 2 के बाद कौन सा टर्म आना चाहिए, डिग्री 1 वाला टर्म भी है यहाँ पे और डिग्री 0 वाला टर्म भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कोई टर्म यहाँ पर मिसिंग नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डिविडेंड आप लोग लिख लोगे, यहाँ पर कोई टर्म मिसिंग नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्या दिया गया आपको डिविडेंड, 2m² माइनस 3m प्लस 10, ये क्या है हमारा डिविडेंड है। ओके, उसके बाद इस डिविडेंड को ना हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख लेते हैं, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस डिविडेंड को मैं कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख लेता हूं। सो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है वो लिख लेते, क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म यहां पर उसको लिख लेते। कैसे लिखना कोएफिशिएंट फॉर्म में, एक राउंड ब्रैकेट देना और ये जितनी टर्म है सभी टर्म का आपको कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा। तो पहला टर्म है 2m², उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2, फिर कॉमा देना है। दूसरा टर्म है -3m, तो उसका कोएफिशिएंट आएगा -3 और थर्ड वाला क्या है 10। इस तरह से आपको कोएफिशिएंट लिख लेना है। उसके बाद में आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर को लिख लीजिएगा, क्या है डिवाइजर क्या है यहाँ पर m-5, ये हमारा डिवाइजर है। अब हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई भी डिवाइजर दिया, जैसे कि यहाँ पे m-5 डिवाइजर दिया, तो हमेशा क्या करना है, m-5 ना ये जो -5 है यहाँ पे उसका ऑपोजिट ले लेना है, कभी भी साइन आपको हमेशा चेंज करते जाना है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डिवाइजर m-5 है तो मैं बोलूंगा ऑपोजिट ऑफ -5 इज, ऑपोजिट ऑफ -5 का ऑपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा हमेशा, ये आपको देखना है। जैसे m-10 दिया तो ऑपोजिट ऑफ -10 इज 10 हो जाएगा, +5 दिया तो ऑपोजिट ऑफ +5 -5 हो जाएगा, ये आपको साइन हमेशा बार बार चेक करते रहना। ओके, अब ये हो जाने के बाद हम लोग प्रॉपरली सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो मैं यहां पर बोलूंगा बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, क्या है भाई सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं, इतना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने डिविडेंड लिखा, डिविडेंड पहला चेक कर लेना है वहां पर कोई टर्म मिसिंग है कि नहीं। ओके, अगर टर्म मिसिंग रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिसिंग टर्म को ऐड कर लिखना पड़ेगा। ओके, फिर
उसके बाद आपको कोएफिशिएंट फॉर्म लिख देने का, जो आपने डिविडेंड लिखा है उसी डिविडेंड का कोएफिशिएंट फॉर्म लिख देना, बाद में डिवाइजर जो दिया है डिवाइजर लिख लेना है, और उसके बाद जो भी डिवाइजर रहेगा उसका साइन चेंज कर देने है। जैसे यहाँ पे माइनस फाइव तो उसका अपोजिट ले लेगा, माइनस फाइव का फाइव हो जाएगा। अब हम लोग सिंथेटिक डिविजन मेथड यूज कर रहे हैं, ओके। जब ये मेथड स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे एक वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो ध्यान रखिएगा दो रो जितना गैप आपको दे देना है यहाँ पर, ओके। मैं टू रो जितना यहाँ पर गैप दे दूंगा ऐसा। तो ये जैसे सपोज मान लीजिए ये फर्स्ट रो है आपके लिए और ये फिर सेकेंड रो है, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दो रो जितना गैप दे देना और ये तीसरा रो रहेगा, ये जो रहेगा हमारे लिए थर्ड रो रहेगा यहाँ पर, ओके। और फिर यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, ये जो आपका डिवाइजर आपने जो लिया है ना वो फाइव, माइनस फाइव का ऑपोजिट क्या लिया था, फाइव। तो वो फाइव को आपको यहाँ पर लिखना होगा, ये फाइव को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। उसके बाद ये फर्स्ट रो में ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म आपने जो लिखा है उस कोएफिशिएंट को लिख देना है यहाँ पर। क्या आएगा पहला कोएफिशिएंट टू, ओके। फिर गैप दे करके दूसरा कोएफिशिएंट क्या था, माइनस थ्री। फिर गैप देकर तीसरा कोएफिशिएंट 10, इस तरह से मैं लिख दूंगा, ओके। अब सबसे पहले क्या करना होगा हमें, यहाँ पर ये जो 2 है ना इसको आप लोग कैरी कर लोगे, 2 को इस तरह से हम लोग नीचे कैरी कर लेंगे, ये 2 को हम लोग सीधा यहाँ पे नीचे बुला लेंगे, ओके। यस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 को मैंने कैरी कर लिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अब ये 5 है और ये 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 2 जा मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा भाई, 5 2 जा क्या आता है 10 आता है। तो मैं 10 को यहाँ पर लिख दूंगा इस तरह से, ये सेकेंड रो में, ओके। यहाँ पर नहीं लिखना, ये तो 2 को मैंने कैरी कर लिया है, 5 2 जा कितना है 10 आया, वो भी कितना है प्लस 10 आया, ओके। यहाँ पर कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना है, जिसका जो साइन है वही साइन रहने देना है। तो ये 10 जो है प्लस में और ये 3 माइनस में, तो प्लस 10 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, प्लस 7 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो भी बचेगा, यहाँ पर मैं प्लस 7 लिख दूंगा, ओके। नेक्स्ट, अब देखो फिर से, अब 5 और ये 7 इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 7 जा कितना आता है भाई 35 आता है, कितना आता है 5 7 जा 35, वो भी प्लस में आएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं 35 लिख दूंगा, कोई साइन चेंज नहीं होएगा। 5 7 जा 35, ये प्लस 35 और ये प्लस 10 है, तो प्लस 35 और प्लस 10 कितना हो जाता है भाई, प्लस 45 हो जाता है। तो यहाँ पर मैं 45 लिख दूंगा फाइनली, ओके। अब देखिए आगे कोई और कोएफिशिएंट है नहीं, ओके, ये तो समझ में आ चुका है आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आगे कोई और कोएफिशिएंट नहीं है, तो फाइनल जो रहेगा ना, ये जो लास्ट में जो बचता है मेरा, ये जो 45 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा भाई, रिमाइंडर बन जाएगा। क्या हो जाएगा ये रिमाइंडर हो जाएगा, ओके, ये रिमाइंडर हो जाएगा। अब फिर बचा हुआ क्या, ये जो नंबर है 2 और 7 है, बचा हुआ क्या दोस्तों, यही है कोएफिशिएंट, सॉरी यही है हमारा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कौन से फॉर्म में, कोएफिशिएंट फॉर्म में। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को कोएफिशिएंट फॉर्म से निकाल करके इंडेक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं यहां पर अभी लिख दूंगा क्वेश्चन जो है कोएफिशिएंट फॉर्म में, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन इन कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या है भाई कोएफिशिएंट फॉर्म में, क्या है 2 और 7, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसा 2 और 7 लिख दो। तो ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है ये कौन से फॉर्म में लिखा है, कोएफिशिएंट फॉर्म। चलो अभी इसका इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें फाइनल आंसर बताना है, क्वेश्चन को इंडेक्स फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा क्वेश्चन फाइनली इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखता हूं। जब इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, ओके। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 2 में से माइनस 1 करेंगे तो मिलेगा क्या, डिग्री 1 मिलेगा, ओके। जब भी आप इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका डिग्री क्या दोगे भाई, डिग्री क्या दोगे, वो तो आपको देख के समझ में आ जा रहा है, 2 ही कोएफिशिएंट है, ओके। तो डिग्री कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट अगर 2 है तो उसमें से माइनस 1 करेंगे तो उसका डिग्री क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हम लोग पहला कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ओके। तो 2 है तो वेरिएबल क्या यूज करोगे इसमें, इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज किया गया, एम यूज किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2m और डिग्री क्या यूज करूंगा, 1, यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। और नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, 7 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस 7। तो ये आपका क्वेश्चन मिल गया, ओके। और फाइनली मुझे रिमाइंडर भी लिखना है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई यहाँ पे 45, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर तैयार हो गया बनके, इसको मैं बॉक्स बनाकर पुट कर देता हूँ।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको इतना ही करना है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा जाता है 3 मार्क के लिए, बस आपको इतना से ही करना है, आपको 3 मार्क यहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए अभी हम लोग सीधा लिनियर डिविजन मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देकर रखा है लिनियर डिविजन मेथड में, सेम क्वेश्चन है, अब हमें लिनियर डिविजन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले लिनियर डिविजन मेथड जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो ये आपका डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। सबसे पहले ये डिवाइजर को यहाँ पे लिख देना है m माइनस फाइव, इस तरह से मैं लिख देता हूँ m माइनस फाइव। ओके, अभी देखो ये डिविडेंड का एक एक टर्म को आपको क्या करना है, डिवाइजर से कट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने डिवाइजर लिख दिया m माइनस फाइव। देखिए सबसे पहला टर्म क्या है डिविडेंड में, 2m2। डिविडेंड में सबसे पहला टर्म क्या है, 2m2 है। ओके, तो आपको सबसे पहले इस 2m2 को कैंसिल करना है। तो 2m2 को कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो m है ना, m के साथ में मैं एक टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, और जब मल्टीप्लाई करूंगा वो यहाँ पे लिखूंगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस देकर लिखा है। सो m के साथ में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे आंसर 2m2 आता है। m के साथ में अगर मैं 2m का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, देखो m इंटू 2m किया तो 2m2 आएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, यस, ये तो मैंने लिख दिया 2m। अब क्या करना है, ये जो 2m है ना, फिर 2m को माइनस फाइव से भी मल्टीप्लाई करना है। ओके, 2m को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करना है, तो 2m मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव, उसका आंसर क्या आएगा भाई, माइनस 10m आएगा। अब जो भी आंसर आता है ना, जो भी आंसर आता है उसका साइन हम लोग चेंज कर देंगे, साइन चेंज करके लिखेंगे, मतलब क्या आएगा भाई, प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यही करना है इसमें। देखिए 2m मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव किया तो क्या आ गया आंसर, माइनस 10 आया, माइनस 10m आया, लेकिन माइनस 10 का क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है, प्लस 10 बना देना है। यस, अब जो बच गया वो लिख दो, क्या क्या बचा है, माइनस 3m बचा है और प्लस 10 बचा है, तो माइनस 3m यहाँ पे लिख देते हैं, और क्या बचा है, प्लस 10, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ चुका होगा। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप, इसको एज इट इज में लिखूंगा, ये जो इतना पार्ट है इसको एज इट इज में लिखूंगा, क्या आएगा, 2m और m माइनस 5 को मैं एज इट इज लिखूंगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है प्लस 10m और माइनस 3m, ये दोनों लाइट टर्म है, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकता हूँ, प्लस 10 और माइनस 3। प्लस और माइनस क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े नंबर करेंगे। तो यहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7, और बड़ा नंबर 10 है, करके मैं आंसर में क्या लिखूंगा, प्लस 7। क्या लिखना है भाई, प्लस 7m लिखना है, और लास्ट में बचा क्या है यहाँ पर, प्लस 10। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा भाई, ये 7m को मैं कैंसिल करूंगा, प्लस 7m को मुझे कैंसिल करना है। सो ये जो स्टेप रहेगा ये एज इट इज में लिख दूंगा, क्या आएगा, 2m ब्रैकेट में m माइनस 5, उसके बाद अब इसको मुझे कैंसिल करना है, प्लस 7m को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो डिवाइजर है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा गैप देकर लिख दूंगा m माइनस 5। ओके, यस, अब अगेन m के साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे, देखो मुझे प्लस 7m लाना है, तो m के साथ में मैं अगर प्लस 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, m के साथ में प्लस 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 7m मिल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। ओके, यस, फिर उसी m, उसी 7 को ना माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही 7 को मैं क्या करूंगा, माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7 और माइनस 5 का मल्टीप्लाई क्या आता है भाई, माइनस 35 आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, जो भी साइन, जो भी आंसर आएगा, ओके, उसका साइन हमें चेंज कर देना है। तो यहाँ पे प्लस 7 और माइनस 5, माइनस 35 है, बट मैं साइन चेंज कर दूंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस 35। ओके, इस तरह से, और बचा हुआ क्या है, प्लस 10 बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए प्लस 10 बचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लस 10। आई होप आपको इतना समझा है। चलो आगे, फाइनली फाइनली क्या लिखेंगे, क्या बचा है यहाँ पे, 2m फिर ब्रैकेट में m माइनस 5, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 7, फिर से अगेन m माइनस 5, और लास्ट में ये प्लस 35 प्लस 10 क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा प्लस 45। ओके, अब इसके आगे तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ये 45 को कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि भाई ये जो m माइनस 5 है ना, इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 0 है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो क्या हमारा रिमाइंडर और क्वेश्चन मिल गया क्या, यस, आपको आंसर मिल गया। तो आपको देखो ये जो है ना यहाँ पे 2m और ये प्लस 7, ओके, इसको मैं चाहिए तो प्लस 45 को रेड कलर से लिख देता हूँ, तो ये जो प्लस 45 जो रेड कलर से मैंने लिखा है, ये आपका रिमाइंडर है। ओके, और जो क्वेश्चन है ना भाई, ये 2m प्लस 7 ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन, और इसमें डिवाइजर क्या है, m माइनस 5। तो मुझे क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना था, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दूंगा, क्वेश्चन जो है वो क्या आएगा, 2m प्लस 7। ओके, और जो रिमाइंडर है वो, रिमाइंडर क्या है मेरा, 45।
इसका आपको बस इतने ही करना है, आपको इतना से स्टेप्स लिखने पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। काफी सिंपल सा स्टेप्स है ये, लीनियर डिवीजन मेथड्स भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो ये पूरे क्वेश्चन का आप लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड का फटाफट आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम लोग सीधे अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो आइए अभी हम लोग सेकेंड सम देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे जो डिविडेंड दिया गया क्या देकर रखा है, एक्स रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और हमारा डिवाइडर क्या है, एक्स प्लस 2। देखिए अब यहाँ पे डिविडेंड में भाई कोई टर्म मिसिंग है क्या, हाईएस्ट डिग्री क्या है इस डिविडेंड का, 4 है। डिग्री 4 के बाद कौन सा टर्म आना चाहिए भाई, डिग्री 3 वाला है। डिग्री 2 वाला टर्म आना चाहिए वो भी है, डिग्री 1 वाला टर्म आना चाहिए वो भी है, और डिग्री 5 वाला मतलब डिग्री 0 वाला टर्म भी यहाँ पे है। सो डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1 और डिग्री 0, यहाँ पे आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको रीअरेंज करके दिया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है भाई, यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे आपको डिविडेंड लिख देना है। ओके, डिविडेंड क्या है एक बार लिख लेता हूँ, एक्स रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ये आपका डिविडेंड है। ओके, अब आपको इसी डिविडेंड को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिख देना है। ओके, सो कोएफिशिएंट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट डाल दीजिए, कोएफिशिएंट फॉर्म इक्वल्स टू इसका एक्स रेस टू 4, इसका कोएफिशिएंट क्या है भाई, 1 है, कुछ नहीं है ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एक्स रेस टू 4 के पहले क्या है, कोई नंबर है नहीं है, तो 1 ले लेंगे। फिर 2x क्यूब क्या आएगा, कोएफिशिएंट 2 आएगा। फिर नेक्स्ट 3x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आएगा, 3 आएगा। 4x कोएफिशिएंट क्या आएगा, 4 आएगा। और लास्ट में 5 है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट नंबर वाइज 1 2 3 4 5 हो गया। यस, डिवाइजर, डिवाइजर क्या दिया आपको, एक्स प्लस 2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स प्लस 2। अब देखिए मैंने क्या कहा था भाई, डिवाइजर में कोई भी नंबर हो प्लस 2 रहेगा तो आपको क्या करना है, उसका हमेशा साइन ऑपोजिट कर देना है। तो ऑपोजिट ऑफ मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑपोजिट ऑफ प्लस 2, प्लस 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2 हो जाएगा। ओके, प्लस 2 का ऑपोजिट माइनस 2। चलिए अभी हम लोग यूज कर लेते हैं सिंथेटिक डिविजन मेथड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा दो रो का गैप दे देना है। चलो अब सबसे पहला रो में आप क्या करोगे, ये जो कोएफिशिएंट आपने जो लिखा है वो कोएफिशिएंट को हम लोग लिख लेंगे। क्या यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर आगे 3, फिर 4 और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 5। इस तरह से मैं कोएफिशिएंट्स को लिख लूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। यस, आगे अब जो यहाँ पे जो गैप छोड़ा है हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में, इस जगह पे यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपका जो डिवाइजर है ना, मतलब साइन क्या, साइन चेंज करके जो लिखा था वो लिखना है, माइनस 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस 2। यस, ऐसे हो गया। अब सबसे पहला जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग कैरी कर लेंगे, नीचे कैरी कर लेंगे। सबसे पहला कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 को कैरी कर ले रहा हूँ, ये हमारा पहला है 1। अब देखो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन चालू करते हैं। माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 करने पे क्या आएगा भाई, माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। यस, साइन चेंज नहीं करना है, ये 2 और ये माइनस 2 क्या बन जाएगा, 2 और माइनस 2 0 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 0। ओके, आई होप आपको समझ में आया। अभी देखिए फिर माइनस 2 इंटू 0 करेंगे, तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, ये सेकेंड रो में सब लिखते जाना है, मल्टीप्लाई जो भी करेंगे वो यहाँ पे सेकेंड रो में आएगा, ये आपका फर्स्ट रो है। यस, अभी नेक्स्ट वन, 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा भाई, 3 प्लस 0 करेंगे तो आपको अगेन आंसर 3 आ जाएगा। यस, ओके, अब माइनस 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, माइनस 6। तो माइनस 6 और प्लस 4, देखिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, 4 को साइन क्या है, प्लस में, 6 का माइनस में, तो माइनस 6 और प्लस 4 क्या आंसर आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए आपको, माइनस 2। प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन दे देना। यस, माइनस 2 और माइनस 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आंसर आएगा, माइनस 2 और माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो लास्ट में क्या बचेगा, 5 प्लस 4 यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 9 लिख देता हूँ, ये जो 9 फाइनली आपको जो मिल रहा है ना, ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपका रिमाइंडर रहेगा। ओके, ये रिमाइंडर होगा मेरा। चलिए अब ये जो बचा हुआ जो क्या है, ये आपका कोएफिशिएंट फॉर्म है किसका, कोशेंट का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोशेंट इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा कोएफिशिएंट है दिख रहा है, 1, फिर 0, फिर 3 और बाद में माइनस 2, ये आपका कोएफिशिएंट है। चलो अभी इसी कोशेंट को जो कोएफिशिएंट फॉर्म में है उसको मैं प्रॉपरली इंडेक्स फॉर्म में उतार लेता हूं। तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर कोशेंट, कोशेंट फाइनली क्या आएगा, देखो फाइनली जब मैं कोशेंट लिखूंगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पर डिग्री पहले लिखना है भाई, डिग्री आपको चेक करना है भाई, जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ उसका डिग्री क्या रहेगा, हाईएस्ट डिग्री। देखिए नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है, 1 2 3 4।
क्योंकि चार कोइफिशियंट है, तो चार कोइफिशियंट है तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा भाई, थ्री आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोइफिशियंट से कभी भी माइनस वन करना होता है आपको डिग्री लिखने के लिए। तो नंबर ऑफ कोइफिशियंट फोर है, तो उसमें से मैं माइनस वन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, पहला कोइफिशियंट क्या है, वन है, तो मैं स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा वन, वेरिएबल क्या लूंगा यहाँ पे, एक्स वेरिएबल यूज किया तो एक्स, और डिग्री क्या यूज करूंगा, हाईएस्ट डिग्री थ्री यूज करूंगा, क्योंकि एक दो तीन चार कोएफिशिएंट है तो उसमें से माइनस वन कर देना है, तो वो आपका डिग्री हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई, प्लस जीरो, तो ये जो है आपका यहाँ पर लिखना है प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस थ्री एक्स, क्या आएगा, प्लस थ्री है, डिग्री वाइज देखो डिग्री थ्री है, फिर डिग्री टू, फिर ये डिग्री वन है, और लास्ट में बच क्या रहा है, माइनस टू, ओके, तो इसका कोई भी डिग्री, इसका डिग्री जीरो आएगा, कांस्टेंट टर्म है। देखिए आपका ये कोएफिशिएंट मिल गया है, ओके, फाइनली, और रिमाइंडर को भी लिखना है, तो रिमाइंडर क्या लिखोगे यहाँ पर, रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, नाइन है, ओके। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, इसको बॉक्स में मैं पुट कर देता हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अभी हम लोग सेम टू सेम क्वेश्चन को लिनियर डिवीजन मेथड्स के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या दिया गया है, x रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके। तो ये डिविडेंड को आपको इस डिवाइजर के साथ में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपका जो डिवाइजर है उसको लिख लो, क्या है भाई मेरा डिवाइजर, x प्लस 2, ओके, ये मेरा डिवाइजर है। अब स्टार्ट करना है, सबसे पहला टर्म को आपको कैंसिल करना है, x रेस टू 4 को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखना है। मैंने डिवाइजर को ऐसा थोड़ा सा गैप देकर लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर x के साथ में जो मल्टीप्लाई करूंगा वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई, x क्यूब, x इंटू x क्यूब किया तो x रेस टू 4 आ गया, कट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ओके। उसके बाद ये x क्यूब को ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x क्यूब और प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा, प्लस 2 x क्यूब आएगा, सही है कि नहीं। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसका साइन आपको चेंज कर देना है, तो साइन चेंज करके आपको लिखना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 एक्स क्यूब आ जाएगा, ओके। प्लस 2 एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा, माइनस 2 एक्स क्यूब बन जाएगा, यस। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बचा था यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस 2 एक्स क्यूब, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस 2 एक्स क्यूब, ओके। ये तो आपने मल्टीप्लाई करने के बताया, और ये आपका जो क्वेश्चन में दिया था वो लिखा मैंने, प्लस 2 एक्स क्यूब, ओके। उसके बाद क्या बच रहा है वो लिख दो, क्या क्या बच रहा है, प्लस 3 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 एक्स, और लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस 5 बच रहा है। चलो अब देखो ये जो है ना यहीं पे कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 एक्स क्यूब और ये प्लस 2 एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये प्लस 2 एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। देखो पूरा टर्म सेम है, सिर्फ फर्क क्या है उसमें, साइन का फर्क है, तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या नेक्स्ट टर्म को, इसको कैंसिल करने के लिए, ओके। देखो हमने कौन कौन से टर्म को कैंसिल कर दिया, एक्स रेस टू 4 हो गया कैंसिल, और 2 एक्स क्यूब को भी कैंसिल कर दिया, ओके। अब हमें नेक्स्ट इसको 3 एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है। चलो तो हम लोग ये स्टेप को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे पहला आएगा x क्यूब, फिर उसके बाद आपका जो डिवाइजर है उसको लिख दो x प्लस 2, ओके, फिर यहाँ पे प्लस 3 एक्स स्क्वायर, इसको कैंसिल करना है ना, तो थोड़ा सा स्पेस दो और डिवाइजर को एक बार फिर से लिख दो x प्लस 2 अगेन। अब देखो प्लस 3 एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो ये x के साथ में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर आ जाए आंसर। x को अगर मैं प्लस 3 एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करूँ, x इंटू प्लस 3 एक्स, तो प्लस 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ओके, यस। नेक्स्ट, अब ये कैंसिल हो गया फिर से, अब बचा क्या 3x, 3x का मल्टीप्लीकेशन क्या आपने 2 में किया, नहीं किया, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3x और 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, प्लस 6x आएगा, लेकिन मैंने क्या कहा, साइन आपको चेंज करना है, तो क्या आएगा भाई, साइन चेंज करके लिख दो, माइनस 6x, ओके, प्लस 6x का क्या बन गया, माइनस 6x। अब बचा क्या है, आगे लिख दो, क्या बचा है, प्लस 4x बचा है और आगे प्लस 5 बचा है, बहुत ही सिंपल है। चलो इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस 6x और प्लस 4x क्या आता है उसको लिख लेते, एक्स क्यूब यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस 2, फिर प्लस 3x, फिर से ब्रैकेट में x प्लस 2, फिर माइनस 6 और प्लस 4, माइनस 6 और प्लस 4 को सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2x मिल जाएगा, और लास्ट में बचा गया प्लस 5। माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर का साइन दे देना है, आई होप आपको इतना सब कुछ आता होगा, यस। नेक्स्ट अभी कैंसिल करने के लिए बचा है, माइनस 2x कैंसिल करने के लिए बचा है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब फिर उसके बाद में ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, फिर से प्लस 3x, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस 2। अब देखो माइनस 2x को कैंसिल करना है ना, तो यहाँ पर मैं डिवाइजर लिख देता हूँ एक्स प्लस 2। अब देखो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे माइनस 2 आंसर आ जाए। x के साथ में अगर मैं माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, x इंटू माइनस 2, माइनस 2x आ जाएगा, ओके, यस। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी आपका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट, माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 में कर लो, माइनस 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन क्या किया,
माइनस टू और प्लस टू करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस फोर आएगा। ओके, लेकिन साइन हमको चेंज कर देना है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस फोर लिखूंगा। माइनस टू और प्लस टू दोनों का मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर आता है, लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करना है, प्लस फोर। और बचा क्या है, प्लस फोर के आगे क्या लिखना चाहिए, प्लस फाइव लिखना है। ओके, आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया। लास्ट में अभी देखिए आपका आंसर आ ही चुका है, आंसर हमारा मिल ही गया है, एक्स क्यूब यहाँ पे आपका डिवाइजर है एक्स प्लस टू, फिर से प्लस थ्री एक्स, फिर एक्स प्लस टू, फिर माइनस टू और अगेन एक्स प्लस टू, और लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस फोर प्लस फाइव किया तो प्लस नाइन आ जाएगा। अब इसको हम लोग काट नहीं सकते क्योंकि आपका डिवाइजर जो है ना वो एक्स प्लस टू है, उसका डिग्री वन है और इसका डिग्री क्या है, जीरो है, तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। फाइनली जो लास्ट में मैंने रेड कलर में जो प्लस नाइन लिखा है आपका रिमाइंडर बन जाएगा, और ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ना ये आपका क्वेश्चन है। ओके, और जो ब्रैकेट में ब्लू कलर में दिख रहा है आपका क्या है, डिवाइजर है। तो मुझे क्या लिखना था, क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूंगा। क्वेश्चन क्या आएगा, एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस थ्री एक्स और यहाँ पे माइनस टू, तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो मैं यहाँ पे नाइन लिख दूंगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए आपका जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में था जो क्वेश्चन यहाँ पे जीरो एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका मिसिंग टर्म है। ओके, प्लस जीरो एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो आप इसको निकाल के लिख सकते हो डायरेक्टली। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो डायरेक्टली निकाल करके। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली हमें कोई मिसिंग टर्म हमें नहीं दिखा है। ओके, तो ये दोनों एक ही आंसर है, कोई भी फर्क नहीं है उसमें। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो आइए अभी हम लोग थर्ड सम देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस सम को एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। क्या दिया गया, वाई क्यूब माइनस टू वन सिक्स। ओके, ये आपका डिविडेंड है, देखिए बहुत छोटा सा दिख रहा है, और यहाँ पे आपका डिवाइजर है वाई माइनस सिक्स। अब सबसे पहले यहाँ पर जो डिविडेंड है उसमें कोई टर्म मिसिंग है क्या, वो देख लो, ये बिल्कुल मिसिंग टर्म है। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, थ्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड को हम लोग इंडेक्स फॉर्म में लिख देंगे, मतलब हम लोग मिसिंग टर्म को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म को ऐड करके लिखना है हमें, तो क्या आएगा, सबसे पहला क्या आएगा, वाई क्यूब आएगा। वाई क्यूब के बाद कौन कौन सा टर्म मिसिंग है भाई, डिग्री टू वाला और डिग्री वन वाला। तो डिग्री टू वाला को कैसे करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे बाय टेकिंग जीरो एज अ कोएफिशिएंट, प्लस जीरो वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या आएगा, फिर से प्लस जीरो वाई, ये भी टर्म मिसिंग है ना डिग्री वन वाला, और लास्ट में लास्ट वाला टर्म है प्रेजेंट माइनस टू वन सिक्स। ओके, इस तरह से अब जो मेरा डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है भाई, वाई माइनस सिक्स, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई माइनस सिक्स मेरा डिवाइजर है। ओके, तो जो भी रहेगा माइनस सिक्स डिवाइजर है तो उसका क्या करेंगे, ऑपोजिट ऑफ माइनस सिक्स। माइनस सिक्स का ऑपोजिट क्या रहेगा भाई, वो ले लो, माइनस सिक्स का ऑपोजिट क्या आएगा, प्लस सिक्स। ओके, अब हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन इस तरह से आपको खींचना है और साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको खींचना है। ओके, ध्यान रहे कि दो रो का गैप देना है आपको यहाँ पे जब आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे। ओके, तो वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में दो रो का गैप दे देना है। तो पहले रो में आप लोग क्या करोगे, ये जो डिविडेंड है ना उसका कोएफिशिएंट को लिख देना है। क्या आएगा भाई डिविडेंड का कोएफिशिएंट, सबसे पहले वाई क्यूब, वाई क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है भाई, वन, फिर जीरो वाई स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है, जीरो, फिर उसके बाद जीरो वाई, इसका कोएफिशिएंट भी जीरो, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस टू वन सिक्स। इस तरह से हमने कोएफिशिएंट लिख दिया है। अब यहाँ पर जो आपका डिवाइजर है, जो साइन चेंज किया था माइनस सिक्स का क्या हो गया था, प्लस सिक्स, तो वो यहाँ पे लिखना है प्लस सिक्स। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो डिविडेंट है ना, पहला कोएफिशिएंट उसको नीचे ले लेना है। ओके, एकदम नीचे यहाँ पे, तो ये जो वन है यहाँ पे वन हमने कैरी कर लिया वन। अब मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, सिक्स वन जा क्या आएगा, सिक्स वन जा यहाँ पे लिख दो सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, जीरो प्लस सिक्स क्या आएगा, जीरो प्लस सिक्स यहाँ पे सिक्स आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखो सिक्स वन जा मैंने क्या किया, सिक्स वन जा सिक्स किया, जीरो प्लस सिक्स क्या आ गया, सिक्स आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद देखो सिक्स सिक्स जा मल्टीप्लाई करो, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स। सबको समझ में आ रहा है क्या, यस, अच्छे से जो ऑनलाइन देख रहे वो भी बच्चे कमेंट कर सकते हैं अगर क्या नहीं समझा होगा तो। सिक्स वन जा देखो, सबसे पहले कोएफिशिएंट वन कैरी ले लिया, फिर सिक्स वन जा सिक्स लिख दिया। ओके, जीरो प्लस सिक्स सिक्स आ गया, फिर सिक्स सिक्स जा यहाँ पे थर्टी सिक्स, जीरो प्लस थर्टी सिक्स किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे थर्टी सिक्स आ जाएगा। ओके,
फिर से यहाँ पे 6 × 36 कर दो, 6 × 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपको 216 आ जाएगा, वो भी प्लस में। ओके अब देखिए +216 और -216 क्या बन जाएगा यहाँ पे फाइनली आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके तो ये फाइनल जो बचेगा यही आपका रिमाइंडर रहेगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिमाइंडर। ओके अब ये जो बचा हुआ दिख रहा है 1636 ये क्या है भाई, ये अपना कोई ये आपका क्वेश्चन है बट कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये कोएफिशिएंट फॉर्म में। ओके तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, अभी तक हमने दो सम में हमने पहला क्वेश्चन को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा फिर डिग्री लिखा। ओके अगर आप चाहिए तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ओके आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन अगर डायरेक्टली लिखना चाहूंगा तो इस तरह से लिखूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आएगा भाई यहाँ पे 1, वेरिएबल क्या यूज करेंगे y, तो 1 पावर क्या लोगे इसका, जब आप लोग इसको डायरेक्टली लिखोगे इंडेक्स फॉर्म में तो क्या आएगा पावर 1 लेंगे, वेरिएबल क्या आएगा y और पावर क्या आएगा इसका IL डिग्री क्या आएगा स्क्वायर आएगा, IL डिग्री क्या आएगा भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री 2 लिखना है, देखो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है 3, उसमें से -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई IL डिग्री 2 आ जाएगा, तो 1y स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा +6y और लास्ट में क्या आएगा +36, इसका मतलब 1 लिखना जरूरी है क्या, वाई स्क्वायर +6y + 36 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा वो लिख दो, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ओके तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, काफी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, इसको इम्पोर्टेंट टिक करके रख सकते हो आप लोग, एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने का। ओके चलिए अभी सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिनियर डिविजन मेथड्स के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है वाई क्यूब -216, ओके और डिवाइजर क्या है भाई वाई -6। ओके अभी देखो यहां पर अगर आपने इसको इंडेक्स फॉर्म में नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते, देख लो क्या करना है, पहले डिवाइजर को लिख लो, डिवाइजर क्या है y -6 यहां पर लिख दिया, अब y का मल्टीप्लीकेशन करो, देखो y से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब आएगा, इसको कट करना है तो y के साथ में अगर y स्क्वायर करूंगा मल्टीप्लाई y इंटू y स्क्वायर तो क्या मिल जाएगा मुझे y क्यूब मिल जाएगा। ओके y इंटू y स्क्वायर y क्यूब, ये y क्यूब कैंसिल हो गया क्या अभी, यस ये कैंसिल हो गया y इंटू y स्क्वायर y क्यूब, अभी y स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन फिर -6 में करो, y स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन -6 में, तो y स्क्वायर और -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर -6y² आएगा, लेकिन हमें साइन क्या करना है चेंज कर देना है, तो मैं यहाँ पर साइन चेंज करके लिखूंगा +6y². ओके ये हो गया। नेक्स्ट अब जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख दो, बचा हुआ क्या है -216। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, ये 6y² को कैंसिल करेंगे तो ये एज इट इज लिखना है यहाँ पे, ये y² का y² और ये y -6 एज इट इज लिखो। ओके अब देखो ये कैंसिल करना है 6y² तो क्या करो थोड़ा सा स्पेस दे दो और यहाँ पे अगेन आपका डिवाइजर लिख दो y -6, अगेन सेम स्टार्ट करना है, y के साथ में मल्टीप्लाई करो, देखो इसको कैंसिल करना है +6y² चाहिए तो y के साथ में +6y का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मुझे +6y² आ जाएगा, आएगा कि नहीं यहाँ पे, तो ये भी कट हो जाएगा। ओके अब ये 6y का मल्टीप्लीकेशन -6 में कर दो, 6y का मल्टीप्लीकेशन -6 में, 6y और -6 करेंगे तो क्या आएगा -36y, लेकिन साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा +36y और लास्ट में क्या बच रहा है -216। देखो अब ये स्टेप एज इट इज आपको लिखना है, सेम टू सेम मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर फिर यहाँ पे y -6 उसके बाद +6y फिर से y -6 सेम। ओके अब देखो मुझे इसको कट करना है +36y को कट करना है तो क्या करोगे ये y -6 आपका जो डिवाइजर है ना इसको लिखो यहाँ पे y -6। ओके यहाँ पे गैप दे दो, अब देखो इसको कैंसिल करना है +36y को कैंसिल करना है तो y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यस +36 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा y इंटू 36y आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा फिर अगेन ये +36 का मल्टीप्लीकेशन फिर ये -6 में कर दो क्या आएगा आंसर +36 का मल्टीप्लीकेशन -6 में किया तो आपको -216 आएगा लेकिन हमें क्या करना है साइन को बदल देना है मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे +216 और लास्ट में बचा क्या -216 बच रहा है। ओके यहाँ पे अब देखो फाइनली हमें आंसर मिल गया है ये दोनों कट हो जाएगा ना ये दोनों जीरो हो जाएगा कि नहीं जीरो तो क्या बच रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर
ओके, फिर ब्रैकेट में लिख दूंगा y माइनस सिक्स यहाँ पे जो था, फिर प्लस सिक्स वाई, फिर से ब्रैकेट में y माइनस सिक्स, फिर यहाँ पे प्लस 36, अगेन y माइनस सिक्स, और फिर यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस जीरो बच रहा है। ओके, इस तरह से तो आपका फाइनली जो क्वेश्चन है यहां से आप लोग लिख सकते हो, क्या बचा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई और प्लस 36। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 36, और रिमाइंडर क्या आएगा वो लिख दो, रिमाइंडर क्या आया भाई यहाँ पे, रिमाइंडर जीरो। ओके, तो काफी इजी है ये लिनियर डिविजन मेथड भी। आई होप आपको ये मेथड भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग क्या करते हैं यहीं पे जो है ये क्वेश्चन नंबर वन का तीन सम तक हम लोग क्या करते हैं इसको स्टॉप कर देते हैं, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग अपलोड कर देंगे। आप अभी क्वेश्चन नंबर वन का जो तीन सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फिर जल्द से जल्द में बाकी के जो क्वेश्चन रह गए उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को हमेशा फॉलोअप करते रहना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।